अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी ऑरेंज ड्रेस के साथ आज मैंने बहुत अमेजिंग लुक क्रिएट की है, आप खुद देख सकते हो। बिल्कुल ग्लोइंग बेस मैंने बनाई है और बिल्कुल सॉफ्ट लुक दिया है। मैंने लैशेज़ नहीं लगाई, ना ही लेंस मैंने आइज़ के अंदर डाले हैं, बिल्कुल मैंने सॉफ्ट लुक दिया है। तो आपने एंड तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि अगर आपको भी ये लुक पसंद है तो मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको भी डिटेल से पता चले कि ये मैंने मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जी एक तो हम जब भी वीडियो शूट करने लगते हैं तो सब कुछ ऑरेंज नज़र आने लगता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है या आप सबके साथ। यहाँ पे जी क्रिस्टीन की आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने क्रिस्टीन की ये पेंसिल ली थी, जिससे मैंने आईब्रो को फिल किया। उसके बाद जी क्रिस्टीन की ही मैंने यहाँ पे जी स्टिक ली थी, जिसको मैंने फेस के ऊपर अप्लाई किया था। और इसके बाद जी फिट मी की फाउंडेशन थी और उसको मैंने फेस के ऊपर अप्लाई किया, टैप टैप करके अपने फेस के ऊपर अच्छे से मैं फिक्स कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बेस देखना बहुत ही कमाल की बनेगी। और मैंने कुछ कंसीलर वगैरह कोई प्राइमर नहीं लगाया, आप खुद चेक कीजिए, मैंने दो ही चीज़ों से बेस बनाई है। इसके बाद ये मेबलिन का फेस पाउडर, जो कि मैं फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी और भर भर के अप्लाई करूंगी। और एक दफ़ा आप भर भर के अप्लाई करें, जब तक एंड तक फिनिशिंग लुक आती है ना, तो कमाल की बेस बनती है, अमेजिंग। तो यहाँ पे जी अच्छे से मैंने फेस पाउडर लगाया। और इसके बाद जी ब्लश ऑन का ब्रश है, जो कि मैं इसी के साथ ही कंटूरिंग का ही काम चलाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जी कंटूरिंग भी बिल्कुल हमने सॉफ्ट रखनी है, नोज़ को थोड़ा सा मैं ज़्यादा कंटूर करूँगी, ठीक है, ताकि मेरी नोज़ जो है बिल्कुल बारीक लगे, ठीक है। और इसके बाद जी ब्लश ऑन भी मैं इसके इसी ब्रश के साथ लगा लूँगी, और बिल्कुल एक दफ़ा तो मैं बिल्कुल सॉफ्ट लुक दूँगी। फिर बाद में अगर मुझे यहाँ पे कमी लगी तो फिर हम ब्लश ऑन थोड़ा सा और लगा लेंगे। और यहाँ पे जी ब्लश ऑन भी मेबलिन का है और हाइलाइटर भी मेबलिन का है, बहुत ही कमाल का हाइलाइटर है। और यहाँ पर जी मैं चिक्स के ऊपर, फोर हेड के ऊपर और नोज़ के ऊपर हाइलाइटर लगाऊँगी और अच्छे से लगाऊँगी। और इसके बाद जी हम आएंगे आईज़ मेकअप, और यहाँ पे हम नेचुरल मेकअप कर रहे हैं तो आईज़ मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे हम। आपको महंगे ब्रश लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आपके आई शेडो के अंदर मौजूद होते हैं उसी के साथ ही आप काम चला सकते हो। आप देखो ये छोटू सा ब्रश है, लेकिन कमाल की आईज़ मेकअप हम इसके साथ आईज़ मेकअप करेंगे, आप देख सकते हैं। और आउटर वी पे हमने यहाँ पे जी मैरून कलर लगाया है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे जी आउटर वी पे थोड़ा सा हम ब्लैक आई शेडो लगाएंगे, और अगर आप कोई भी कलर लेते हैं तो हल्का सा ब्लैक का टच देते हैं तो आपकी आईज़ बिल्कुल खुली खुली और बहुत बड़ी लगती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी थोड़ी सी इसकी ब्लेंडिंग में कर दूँगी, जो मैंने ब्लैक कलर लगाया है। और यहाँ पे जी आई शेडो पैलेट में से मैं लूँगी ऑरेंज कलर, जो कि मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी और आईज़ के लिड एरिया पे अप्लाई करूँगी, और फिर ब्रश के साथ इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूँगी। और यहाँ पे आईज़ मेकअप बिल्कुल हम सॉफ्ट रहे। और यहाँ पे जी हमें थोड़ा सा ये ऑरेंज बिल्कुल लाइट लग रहा था, तो थोड़ा सा गहरा ऑरेंज कलर लिया था, जो कि मैंने आईज़ की लिड एरिया पे अप्लाई कर लिया है। और पहले मैंने फिंगर से अप्लाई किया, फिर ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर दी, लेकिन अब ऑरेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जी आईज़ के नीचे भी मैं मैरून कलर लगाऊंगी हाफ़ आईज़ के ऊपर, और हाफ़ आईज़ के ऊपर मैं जी ऑरेंज कलर लगाऊंगी, ठीक है। और ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो सारा मेकअप ही कमाल का लगता है। तो अगर आपको ये मेरा मेकअप पसंद आ जाए तो पहले ही अभी से ही लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना है। और यहाँ पे जी आईज़ के ब्लैक जेल लाइनर हम वाटर लाइन पे लगाएंगे आईज़ के अंदर। और यहाँ पे जी क्रिस्टीन का ही है लाइनर, जिसके विंग आई लाइनर मैं लगाऊँगी, और बिल्कुल जैसा मैं सोच रही थी वैसे ही लगा, बहुत ही प्यारा लाइनर है और बहुत कमाल का लाइनर है क्रिस्टीन का। तो यहाँ पे जी क्रिस्टीन का लाइनर मैं आईज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी, और विंग हमने बिल्कुल पतला रखना है, बिल्कुल मोटा नहीं। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीक रखा है, आप मोटा भी लगा सकते हो, लंबा भी लगा सकते हो, जैसे आपको लाइनर पसंद है आप वैसे लगा सकते हो।
मस्कारा जो हम आइज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम मुझे बिल्कुल भूल गया है कि मैंने कौन सा मस्कारा लगाया है। तो जी यहाँ पे जी भर भर के मैं लैशेज़ के ऊपर एक से दो दफ़ा कोट करूँगी। और यहाँ पे जी ये क्रिस्टेन की ही जो मैं ये आउटलाइन पे लगा रही हूँ ये पेंसिल। एक हमें गाइडलाइन मिल जाती है जब हम पेंसिल अप्लाई करते हैं, तो फिर हम लिपस्टिक हमें अप्लाई करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे जी ये हम लाइट सा कलर है लिपस्टिक का, तो ये हम अप्लाई करेंगे। हमारा आईज़ मेकअप सॉफ्ट है तो हम जो है जो लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क रखेंगे और हम अच्छे से इसको यहाँ पे हमें कमी लगेगी हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पे जी ब्लश ऑन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जी ये है हमारी फाइनल लुक। और यहाँ पे जी मैं ज्वेलरी वगैरह पहन के आ चुकी हूँ, ये है हमारी फाइनल लुक। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।